मैं स्कूल के बाद चुपचाप जाके वहीं पे प्रैक्टिस करने जाते थे ग्राउंड पे। मम्मी को नहीं बताया था तो उनको 2-3 हफ्ते के बाद पता चल रहा था कि कहाँ जा रहे हैं। तो बहुत मेरे को बहुत डांटा था जब घर पे वापस आई थी, और बहुत मार भी खाया था मुझे कि पढ़ाई पढ़ाई में ध्यान रखना है तेरे को, फुटबॉल से क्या मिलेगा। उसी टाइम पे हमेशा मैं बॉयज का ही मैच देखता था, लेकिन कभी मैंने लाइफ में लड़की का कभी नहीं देखा था। तो एक्चुअली मैं खेलना चाहती थी उस टाइम उन लोगों को देख के। तो मैंने एक सर से रिक्वेस्ट किया था जो स्कूल का टीचर है, तो उनको मैंने बोला था कि हमें भी खेलना चाहते हैं। तो उन्होंने बोला कि अकेली नहीं खेल पाओगे, मतलब उसके लिए पूरा टीम होना चाहिए। तो इसलिए मैंने बाकी दोस्तों से ऐसे बात किया था कि हम खेले क्या ऐसे, मतलब खेलना चाहते हैं करके। तो उन्होंने बोला हाँ खेलते हैं। तो उसी स्पोर्ट्स से हमने स्टार्ट किया था, तो वहीं पे हम लोग ने 2-3 बना के खेला था एक मैच। तो हमें भी नहीं पता था कि फुटबॉल कैसे खेलता है और क्या है, पर हम लोग एक बॉल में सारे प्लेयर एक साथ भाग रहे थे, कुछ समझ में नहीं आया था। तो मैच भी वैसे स्कोर नहीं हुआ था, ड्रॉ हो गया था। तो उसकी वजह से सर ने बोला कि अवार्ड के लिए तो रीजन चाहिए, मतलब विनर और रनर सब के लिए। तो इसलिए पेनाल्टी शूट आउट करना पड़ रहा था। मैंने स्कोर भी किया था और मेरे टीम जीत गए थे। तो उसी टाइम पे इतना खुश थे मैं, और बहुत उस मैच में बहुत इंजॉय किया था। तो उसकी वजह से मैंने अगले दिन से मैंने फुटबॉल खेलना स्टार्ट किया था, क्योंकि मैंने इतना एंजॉयमेंट कभी लाइफ में मेरे लाइफ में हुआ ही नहीं। बचपन में मैं मतलब एक ऐसे जो डॉल के साथ जो खेलती है ना, जो बच्चे लड़कियां, तो ऐसे ही थी मैं। वो ज्यादा मुझे डॉल के साथ खेलते रहती थी। और क्या अभी मतलब उसकी पहले फुटबॉल खेलने से पहले मैंने कोई एक्टिविटी नहीं किया था, या भाग के खेलना ये सब कभी नहीं किया था। बस मुझे डॉल के साथ खेलना है। और जैसे वो नहीं होता खाना बनाने वाला जो सारे बर्तन ये सब, उसके साथ एक स्टार्टिंग में मैंने बताया नहीं था मेरे घर वालों को, क्योंकि मैं बहुत डर लगता था कि मम्मी पढ़ाई में थोड़ा ध्यान रखने के लिए बोलते रहते थे। इसलिए मैं स्कूल के बाद चुपचाप जाके वहीं पे प्रैक्टिस करने जाते थे ग्राउंड पे। उनको 2-3 हफ्ते के बाद पता चल रहा था कि कहाँ जा रहे हैं। तो बहुत मेरे को बहुत डांटा था जब घर पे वापस आई थी, और बहुत मार भी खाया था मुझे कि पढ़ाई पढ़ाई में ध्यान रखना है तेरे को, फुटबॉल से क्या मिलेगा, फुटबॉल से तेरा पेट थोड़ी ना भरेगा। बीच में इतना मुझे डांट पड़ी और मेरे को इतना मार खाया, उसकी वजह से मैंने सोचा कि छोड़ देते हैं कुछ दिन, उसके बाद फिर दोबारा जाके फिर खेलते हैं। मतलब मुझे नाटक करना पड़ रहा था एक्चुअली कि मैं और नहीं खेल रहे ऐसे करके। तो मैंने कम से कम 1-2 महीना फिर छोड़ दिया, फिर दोबारा मैंने चालू किया था। तो उसके बाद तो मम्मी को भी समझ गई कि मना करने से कुछ नहीं होने वाले हैं। तो उसके बाद कुछ बोला ही नहीं था मम्मी ने। और बाद में मैं जब अंडर 17 नेशनल टीम में जब सिलेक्शन हो गया था, उसके बाद तो
मेरे घर वालों और मेरी मम्मी सब लोग सपोर्ट करने लगी। मैं क्रिप्सा एफसी जो मणिपुर का जो क्लब है, तो 2008 में मैं उसी क्लब में ट्रांसफर चले गई थी, तो वहीं से मेरा जर्नी स्टार्ट है। उस टाइम पे मैं मणिपुर का नेशनल टीम में अंडर 17 नेशनल टीम में सिलेक्शन हो गया था, और उसके बाद अंडर 17 इंडिया टीम के लिए मुझे ट्रायल के लिए कॉल अप आ गया था। फिर सिलेक्शन मिल गया और नेशनल टीम नेशनल रिप्रेजेंट करने का मौका मिल गया। तो ये सब वही 2008 से मेरा जर्नी स्टार्ट किया था क्रिप्सा के साथ। मैं उसके बाद नेशनल टीम में ट्रायल जाने के बाद मुझे क्या होने वाले है और क्या हो आगे क्या होगा और प्रोफेशनल प्लेयर के बारे में भी मुझे कुछ पता नहीं था। जब मुझे इंडिया टीम का जर्सी भी मिला था तो मुझे समझ में नहीं आया कि खुशी हो रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्योंकि मुझे बस खेलने में मज़ा आता था पर आगे जाके क्या होने वाले है वो चीज़ इतना दिमाग में नहीं था। तो बाद में जब वहाँ पे एएफसी क्वालिफाई राउंड के लिए हम लोग मलेशिया गए थे, तो वहाँ पे मुझे रियलाइज हुआ कि प्रोफेशनल प्लेयर कैसे रहते हैं। बस मेरे को फुटबॉल में जो इंजॉय करते हैं ना जब मैच खेलने के टाइम पे, जब इंजॉयमेंट है, वो बाकी चीज़ें में कभी नहीं मिलता। जो फुटबॉल मेरे को देते हैं जब मैच के बीच में जो मुझे फील होता है, वो चीज़ कोई भी चीज़ के साथ कंपेयर नहीं कर पाते, तो उसकी वजह से मैं अभी तक नहीं छोड़ पाते फुटबॉल। तो मैंने एक दूसरा एक और गेम भी मैंने ट्राई किया था बीच में, मेरे एक जो क्लब के पास में एक हेनबोन का एक क्लब है, तो उन्होंने उनका टीम पूरा नहीं हो पाया था, उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया था हैंडबॉल खेलने के लिए। फिर मैंने स्टेट लेवल तक खेला था फुटबॉल खेलते खेलते, वो भी मैंने ट्राई किया था, पर उसमें भी मुझे पता नहीं, मुझे फुटबॉल में इतना प्यार है कि क्या है, मुझे समझ में नहीं आया। मुझे हैंडबॉल में बिल्कुल पसंद नहीं आया था, मुझे फुटबॉल में जो मज़ा आता है तो बाकी इवेंट में नहीं आता है, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे फुटबॉल ही चूज करना मेरे लिए बेटर, तो इसलिए मैंने फुटबॉल को ही चूज किया। ये हमारे लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बलादी बाहर जाके खेल रहे हैं और वैसे ही बाकी जो हमारे फ्यूचर प्लेयर है वो लोग भी चाहेंगे कि इंडिया के बाहर जाके खेले और अच्छे क्लब से पार्टिसिपेट करें, तो बहुत सारे प्लेयर उनको देख के इंस्पायर होने वाले हैं, हो रहे हैं। प्लेयर को जो बाहर खेलना चाहते हैं उन लोगों को बोलूंगी कि जितना आप लोग मेहनत करोगे इतना अच्छा प्लेयर बनोगे, तो क्लब्स वगैरह बाकी एनजीओ सब आपको ढूंढते ढूंढते आ जाएंगे। इसके लिए आपको प्रूव करना पड़ेगा कि मैं इंडिया की बेस्ट प्लेयर हूँ।